तो ये देखिए हमारी नमकीन चावल की रेसिपी बनके तैयार है फ्रेंड्स। और ये देखने से बिल्कुल लग रहा हो कि बिल्कुल भेज पुलाव है, लेकिन ये नमकीन चावल की रेसिपी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं राजीव और राजीव किचन इन्फो में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमकीन चावल की रेसिपी, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमने थोड़ी सी यहाँ पे दालचीनी, तेजपत्ता, कुछ लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और थोड़ी सी जावित्री, ये सारे गरम मसाले हमने लिए हैं। और हम जो बनाएंगे ये लगभग हाफ के जी चावल के आसपास है, तो डेढ़ गिलास चावल ये हो जाता है। तो आप चावल को यहाँ पे बनाएंगे तो आप चाहे तो इसे चावल को धो भी सकते हैं, क्योंकि पैकेट वाली चावल है तो हमने यहाँ पे बिना धोए इसे डाला है। तो डेढ़ गिलास चावल है, तो पानी का जो मात्रा होगा वो दुगना से आप थोड़ी सी कम रखें और डेढ़ गुना से थोड़ी सी ज़्यादा। तो पानी डालने के बाद फ्रेंड्स हमने सारे गरम मसाले को इस प्रकार से डाल दिया है और इसे थोड़ी सी हिला देंगे। उसके बाद इसे अच्छे से दो सीटी लगाएंगे, आप चाहे तो एक सीटी लगा के थोड़ा दम पे भी पका सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लगभग 100 ग्राम सोयाबीन लेके उसमें थोड़ी सी नमक डाल के इसे भीगने के लिए छोड़ दिया है 5 मिनट के लिए। उसके बाद सारे पानी को हम इस प्रकार से निचोड़ देंगे इसका। तो ये देखिए, तो फाइनली हमने सारे पानी को इस प्रकार से निचोड़ लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे फ्रेंड्स। तो उसके लिए हमने 2 प्याज लिया फ्रेंड्स, और कुछ मूँगफली और कुछ काजू और 4 से 5 हरी मिर्च। तो अब हम देखते हैं हमारा चावल पका है कि नहीं। तो ये देखिए हमारा चावल कितना बढ़िया पक गया है, और इसे हम देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल खिला खिला चावल बना है। तो आप 2 सीटी लगा दें मीडियम फ्लेम पे, तो ये अच्छे से पक जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे फ्रेंड्स। तो हमने एक बड़ी कढ़ाई लिया है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा तेल डालेंगे और उसके बाद हम मूँगफली डालेंगे। सबसे पहले मूँगफली डालेंगे। तो मूँगफली डालने के बाद हम इसे थोड़ा सा चला लेंगे, और मूँगफली जब थोड़ा सा रोस्ट हो जाए तो हम यहाँ पर सारे जितने भी सोयाबीन हैं उसे डालेंगे। उसे डाल के हम सोयाबीन को बिल्कुल अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, वो ये देखिए कलर भी चेंज हो गया हमारा सोयाबीन का। आप इस प्रकार से इसे डीप फ्राई करें। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स ये देखिए फाइनली हमारा ये अच्छे से सोयाबीन भी फ्राई हो गया, कलर भी चेंज हो गया। तब हम यहाँ पे जितने भी सारे प्याज और हरी मिर्च था उसे हम डालेंगे यहाँ पे। इसे भी हम लगभग डालने के बाद 2 से 3 मिनट पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे। तो प्याज का भी हम कलर इसे चेंज होने देंगे। तो 3 से 4 मिनट आप मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे तो ये इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो रहा है। आप लगातार इसे चलाते रहेंगे ताकि अच्छे से पक जाए और हमारा जो प्याज है इसका कलर भी अच्छे से चेंज हो जाए। तो आप इस तरीके से नमकीन चावल की रेसिपी फ्रेंड्स बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। तो अब हम यहाँ पे फ्रेंड्स काजू को ऐड कर लेंगे। तो काजू को ऐड करने के बाद इसे भी 2 से 3 मिनट हम भून लेंगे। काजू को हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि ज़्यादा हमें काजू को नहीं भूनना होता है। तो ये देखिए काजू का भी कलर चेंज हो रहा है। तो ये देखिए फाइनली हमारा सारे सामग्री अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब बारी आती है इसमें चावल डालने की। तो चावल को हमने एक बॉल में निकाल लिया था, तो उसे हम चावल को अब डालेंगे। माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो ओवर एक्सपोज हो गया फ्रेंड्स। तो चावल डालने के बाद फिर फ्रेंड्स हम फ्लेम को कम कर देंगे और उसके बाद पहले एक बार मिला लेंगे, उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। आप चाहे तो लो फ्लेम पे भी इसे हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि फाइनली हमारा सारा सामग्री तैयार है। तो चावल को केवल हम डाल के एक बार अच्छे से लगभग 3 से 4 मिनट के लिए इसे भून लेंगे, ताकि इसमें जो ऑयल हल्का लग के और ये बिल्कुल खिली खिली चावल बन जाए। तो ये देखिए कितना खिला खिला सा चावल हमारा बना है। तो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं, और इसका जो टेस्ट है टेस्ट का भी आप अंदाज़ा देख के लगा सकते हैं।
तो हम यहाँ पे नमक थोड़ी सी ऐड कर लेंगे फ्रेंड्स। इस नमकीन चावल की रेसिपी में फ्रेंड्स केवल और केवल हम नमक और तेल का प्रयोग करेंगे, बाकी इसमें कोई मसाला का उपयोग नहीं करेंगे हम। और थोड़ी सी जो गर्म मसाला हमने चावल उबालते समय डाला था तो आप ज़रूर डालें, उससे क्या है ना बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्टी लगता है, आपको आपको खाने में इतना मज़ा आएगा इस प्रकार की रेसिपी फ्रेंड्स। तो देखिए फाइनली हमारा ये बन के तैयार है फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल गर्मा गर्म नमकीन चावल की रेसिपी फ्रेंड्स, आप इस प्रकार से बना के अपने मेहमानों को अच्छे से खिला सकते हैं फ्रेंड्स। और इस प्रकार का रेसिपी आप अपने घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। ये देखने में जितना यम्मी लग रहा है ना उससे ज़्यादा कहीं इसका टेस्ट है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बेल आइकन को जरूर दबाना। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी तरह की रेसिपी आपको आगे भी मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।